तो गाइज आज मैंने की है बाथरूम की डीप क्लीनिंग। हफ्ते 10 दिन में अगर अच्छे से बाथरूम साफ ना करो तो ये टाइल्स हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। और मुझे भी बहुत दिन हो गए थे मैं अच्छी तरह से इसको क्लीन नहीं की थी। ये टैप वगैरह भी बहुत गंदे हो गए थे, इनमें पानी के वाइट वाइट से दाग पड़ जाते हैं। और साबुन से जब हम कपड़े धोते हैं या नहाते हैं तो पूरी टाइल्स में भी ऐसे छिप्पे छिप्पे से पड़े हो गए थे। और ये वाला टैप भी हमारा बहुत पानी के दाग से गंदा हो गया था। तो इसको मैंने पूरा कर लिया है अच्छी तरह से क्लीन। अभी देखो कैसे चमक रहा है, बिल्कुल शीशे की तरह। ये देखो टैप हमारा, तो पूरी टाइल्स की और अपने टॉयलेट की मैंने अच्छे से कर ली है क्लीनिंग। टॉयलेट में भी अजीब से दाग से पड़े हुए थे साइड से ना, जब नहाते हैं तो यहाँ से भी दाग पड़े हुए थे। अंदर से हम टॉयलेट तो साफ कर लेते हैं लेकिन बाहर की साइड से जल्दीबाजी में डेली नहीं होता है। तो अभी मैंने कर ली है अच्छी तरह से क्लीनिंग। देखिए और टाइल्स भी अभी बहुत ही अच्छी लग रही है, नहीं तो इस पे छिपे छिपे थे, पूरे छिपे छिपे से। और फ्लोर भी एकदम साफ हो गया। तो दोस्तों सारे काम मेरे निपट चुके थे इससे पहले, जो डेली का होता अपना ना, झाड़ू पोछा साफ सफाई पूरा अंदर बाहर घर के। तो कपड़े मैंने धुल लिए थे, मतलब मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता ना सब हो गया था। मैंने कपड़े धुल के नहा के सारा रूटीन हो गया था। लेकिन कपड़े धुलने के बाद मैंने वैसे एक बार पहले बाथरूम हल्का फुल्का साफ कर लिया था, फिर मैंने देखा यार मैं काफ़ी दिनों से टाइम ही नहीं लग रहा और ऐसे ही टाल दे रही हूँ कि इसकी डीप क्लीनिंग करनी है। बहुत ये जो नल वगैरह हैं या टाइल्स हैं इनमें जैसे ना साबुन के पानी के छिपे छिपे से लग रहे थे। तो मैंने सोचा आज मैं इसको कर ही लेती हूँ क्योंकि आज संडे है तो लंच बना देगी प्राप्ति। ये दोपहर का टाइम था तो अगर ये स्कूल होते तो मैं फिर लंच बनाने का टाइम हो गया था, फिर सफाई नहीं हो पाती। अब बच्चे घर में हैं तो बहुत हेल्प मिलती है मेरी प्राप्ति से, मुझे बहुत ज़्यादा वो कर लेती है, साथ में मदद कर लेती है। तो टाइल्स मैंने पहले साफ़ कर ली थी और ये नल वगैरह भी ना साफ़ कर ली थी। वॉश बेसन बाहर वाला और ये बाथरूम वाला मैंने पहले कर लिया था, अब नीचे का रह गया था। नीचे भी बहुत ही गंदे वाइट वाले टाइल्स हैं और ये बच्चे बाहर से ना गंदे पाँव लेके आते, फिर भी छोटे बच्चे हैं तो हो ही जाता गंदा। और हमारा तो सच में इतना गंदा करते हैं ना बच्चे, बोलूँ क्या। तो पूरा बाथरूम यहाँ पे देखिए क्लीन हो गया था पूरे की, मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो अगर कैमरा ऑन ही रखो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और कोई देखता भी नहीं है। तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह टॉयलेट सीट ये पूरा मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, बस लास्ट में फ्लोर रह गया था। यहाँ पे मैंने सर्फ़ डाल के और इसको झाड़ू से साफ़ कर लिया था जो मेरे पास है। कभी मैं सर्फ़ से ही कर लेती हूँ साफ, कभी मैं हारपिक ही डाल लेती हूँ उससे भी साफ हो जाता है। और वैसे लाल वाला हारपिक सही होता है लेकिन अभी तक मैं लाई नहीं उसको क्योंकि मेरा काम ऐसे ही चल रहा है तो सफाई तो करनी है जैसे भी करनी है। तो देखिए अभी एकदम चमक गया है और बहुत अच्छा लग रहा है बाथरूम। और जैसा गंदा है ना तो फिर मन ही नहीं करता जाने का, कपड़े धुलो फिर भी